मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को सरकारी निवास संत कुबीर कुटीर पर कार्तिक शर्मा को राज्यसभा में भेजने के लिए आभार व्यक्त करने आए अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा हरियाणा की कार्यकारिणी सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजनीति के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर नेता के साथ उसके समर्थक जुड़े होते हैं जो उसी के साथ दूसरी पार्टी में भी चले जाते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले देश, बाद में दल और उसके बाद व्यक्ति को माना जाता है। जिसके चलते 2014 में जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी की इसी विचारधारा के चलते पार्टी आज न केवल देश में बल्कि विश्व में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनी है। और आज हमारे श्री राकेश शर्मा जी, जो स्वयं पहले वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता रहे हैं, इनसे मेरा एक बार ही मिलना हुआ, तो जब मिलने के बाद आखिर में कहने लगे कि भी मैं भी इस परिवार में शामिल होना चाहता हूं, मैंने कभी स्वागत है। फिर इन्होंने एक शर्त लगाई, मैं अकेले ज्वाइन नहीं करूंगा, मेरी तो पूरी फौज है। हमने कहा चलिए आप फौज को भी ले आओ, हम उनको भी संभालेंगे। आप में से बड़ी आयु के लोग अपने अनुभव के धनी हैं, नौजवान जो हैं वो अपनी क्षमता, अपनी ताकत, एनर्जी, उनमें जो जोश है उसके अपने धनी हैं, तो इन सब का लाभ अपने को मिलेगा। फिर अपने जो जिलाध्यक्ष हैं श्री अजय शर्मा जी, तो क्योंकि वो पंचकुला के जिलाध्यक्ष हैं, तो इनके साथ अपना बहुत सा एक तालमेल अपना जो बैठेगा, उनके साथ हम रहेंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी अपने को पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बन चुकी है। आज से 10-15 साल पहले तो हम ये नहीं कहते थे, लेकिन 10 साल पहले तक तो हम एक बराबर लेवल पर थे कई पार्टियों के, लेकिन मोदी जी के यानी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से, और जितना बड़ा विस्तार अपना हुआ है इस देश भर में, विदेशों में भी, हालांकि अपने विचार को मानने वाले बहुत लोग हैं, बहुत संगठन का काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी देश की तो है ही है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना है। संख्या में, जनसंख्या में तो चाइना हमारे से आगे है, लेकिन चाइना कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है। लोकतांत्रिक देश सबसे बड़ा दुनिया का है तो भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में सबसे बड़ी पार्टी वो है भारतीय जनता पार्टी है। आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आकर के एक बड़े परिवार में शामिल होकर के एक बहुत एक जिसको कहना चाहिए राष्ट्रीय अपना धर्म निभाया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं। इस बड़े परिवार में आने के बाद एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि यहां अब ऐसा नहीं माना जाता कि ये नया है ये पुराना है। यहां जब कोई सम्मिलित हो जाता है, इतना ही है, भारतीय जनता पार्टी को समझने में थोड़ा शायद टाइम लग जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भी कोई नया है या पुराना है कोई भेदभाव नहीं करती है। कई बार क्या होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी में आ गए, लेकिन इंतजार उस दिन का करना होता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे अंदर आई कि नहीं आई। ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप तो आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप में कितना जल्दी आती है ये आपको अपना सिद्ध करना पड़ेगा, अपना प्रदर्शन करना पड़ेगा। यहां आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो सामान्य सदस्य है, सक्रिय सदस्य है, बड़े से बड़े नेता है, वो अपने से पहले अपने देश को मानता है। देश पहले सब बाद में, देश पहले सब बाद में। ये ठीक है, राजनीति के अंदर कई अच्छी बातें हैं, लेकिन कहीं कहीं छोटी छोटी ऐसी बातें भी हैं जो देश के नाते से कई बार सूट नहीं करती हैं। और उसमें एक बड़ा विषय यह है कि एक नेता होता है, उसके कुछ अनुयायी होते हैं, कुछ उसके जो समर्थक कहते हैं, कह सकते हैं कि उसके समर्थक होते हैं। हर नेता के किसी के 1000, किसी के 10,000, किसी के 20,000, किसी के 50,000 ये समर्थक होते हैं, और वो समर्थक हमेशा उस व्यक्ति के साथ लगे रहते हैं। जब वो व्यक्ति या नेता मानो वहां से उठा और कहीं और चला गया, तो वो सारे के सारे उस व्यक्ति के पीछे होते हैं, वो भी सारे वहां चले जाते हैं। मतलब क्या कि वो व्यक्ति जो साथ चले गए उस नेता के साथ जुड़े रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़े। मैं तो ये भी कहता हूं कि मेरे पास आज मुख्यमंत्री का जिम्मेवारी है, भगवान ना करे दिमाग खराब हो जाए, और दिमाग खराब हो जाए और मैं चल करके कहीं और चला जाऊं किसी और पार्टी में, तो मैं अगर देखता हूं कि मेरे साथ अगर एक भी व्यक्ति साथ मेरे नहीं गया, तब तो मैंने सफलता हासिल की
कि मेरे साथ अकेले का कोई नहीं जुड़ा हुआ, सब जो थे भारतीय जनता पार्टी के साथ वही थे, दिमाग मेरा ही खराब हुआ। और अगर मेरे साथ चल करके बहुत लोग चले आए साथ मेरे, इसका मतलब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अभी तक नहीं समझा। मेरा तो दिमाग खराब हुआ ही हुआ, उनका भी हो गया। यहां सबसे बड़ा देश, बाद में दल, बाद में व्यक्ति। कहीं कहीं लोग व्यक्तियों के नाते तो जुड़ते ही हैं, कहीं कहीं जाति बिरादरी के नाते जुड़ते हैं, जाति बिरादरी के नाते भी जुड़ते हैं। अब हम सब ब्रह्मवीर हैं, ब्रह्मा जी के पथ पर चलने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक जाति का भी भाव आ जाता है। जातियां तो सबकी है, किसी की कोई भी होगी, किसी की ब्राह्मण होगी, किसी की राजपूत होगी, किसी की खत्री होगी, किसी की अरोड़ा होगी, किसी की बैकवर्ड क्लास की कोई जाति है, कोई अनुसूचित जाति का कोई वर्ग बना हुआ है। अब वो जब उन जातियों के साथ जुड़े रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के विचार को नहीं समझ सकते। भारतीय जनता पार्टी के विचार को समझना होगा तो इस जाति से ऊपर उठ करके देश के साथ जुड़ करके फिर समझ आएगी भारतीय जनता पार्टी, वरना नहीं आएगी। हम सब अपने अपने समाज के साथ जुड़ के रहें, गर्व से जुड़े, उस समाज में क्या अच्छाई लानी है, कौन सी बुराई दूर करनी है, कैसे समाज के हमारे लोग आगे बढ़ें, बहुत अच्छा, पढ़ाना ही चाहिए, मदद करनी ही चाहिए। लेकिन जब पार्टी के साथ जुड़ जाए तो फिर हम पार्टी के नेता बन करके पार्टी की विचारधारा उस बिरादरी में जाके करें, ना कि उस बिरादरी की बात लेकर के यहां घुस जाए। समझे मेरी बात? आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, छोटी छोटी बात को समझ सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा के पथ पर चलने वाले ब्रह्मवीरों, सोच समझ के काम करना, ये देश और समाज इसको सारे को अपनाना। हाँ, जहां कहीं कोई कमी किसी में रह जाए, उस कमी को कैसे दूर करना, जो अभावग्रस्त है, जो किसी कारण से पीछे रह गया है, उसको कैसे आगे बढ़ाना। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने अंत्योदय का एक हमें एक भावना दी, एक टारगेट दिया कि अंत्योदय मतलब अंतिम का उदय, ये हमारी सोच होनी चाहिए, ना कि ये होनी चाहिए कि मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी बिरादरी, मेरी जाति, ये आगे बढ़ जाए, बाकी जाए भाड़ में, ऐसा नहीं। और हम सहयोग से समाज में सबसे अगली पंक्ति में खड़े हैं, पिछली पंक्तियों में तो बहुत लोग हैं, जो पिछली पंक्तियों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा जिनसे मिलती है, ऐसे सब लोगों का स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। और इसमें एक बड़ा नाम, सब ज्ञानी है, आपको पता ही है, मैंने अपनी इस कुटिया का नाम संत कबीर कुटीर रख दिया। आखिर क्यों रखा? कि कम से कम आवास में रहते समय हर समय विचार तो आए कि संत कबीर एक समभाव के व्यक्ति थे। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से पैर। कितना बड़ा विचार है। इसलिए उस समभाव से देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विचार को आप समझें, जल्दी आपको पता लग जाएगा। जल्दी आप भारतीय जनता पार्टी में आज आ गए हैं, आपके अंदर भारतीय जनता पार्टी कितनी जल्दी पहुंचे, इसका प्रयत्न राकेश जी भी करेंगे, तरुण जी भी करेंगे, अजय जी भी करेंगे, और हमारे स्पीकर साहब भी करेंगे। कमी कोई रह जाएगी तो मेरे पास आना, मैं भी कर लूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।